अपील वीडियो कैसे बनाए। गाइज मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, भाई ये तो बता दो कि अपील वीडियो कैसे बनाना है, जबकि मैंने वीडियो में बता भी रखा है, लेकिन गाइज वहाँ पे कुछ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट लाइव एग्जाम्पल डेमो के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपील वीडियो शूट करना है और किस तरीके से आपको अपील करना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा जो कि है यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट अपील। तो यहाँ पे हमें अपील जो करना है उसमें गाइज़ सबसे पहले जो जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो गाइज़ आपको अपने चैनल पे जाना है, आपको अबाउट सेक्शन में आपका चैनल का टाइम देख लेना है, मतलब डेट देख लेना है कि किस दिन आपने ज्वाइन किया था। कुछ भी होगा जैसे मेरा यहाँ पे मतलब अगस्त सितंबर जो भी है तो आप वहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद गाइज आपके चैनल पे आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, सारा वीडियोस आपका अपना होना चाहिए, कोई मतलब कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए किसी और का, और कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आपने अपनी वॉइस भी नहीं डाल रखी है और डायरेक्ट पब्लिक सिटी में सिर्फ बना करके अपलोड कर रखा है। उसमें भी गाइज मोनिटाइज में रीयूज कॉन्टेंट का दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनली मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये चीज़ देख लिया, और उसके बाद गाइज आपके चैनल पे एक थीम की तरह सेट होना चाहिए, जैसे कि आपने एक ही रीच पे काम किया, यानी कि एक ही कंटेंट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने अगर फैशन का कोई खोल रखा है चैनल तो आपने ओनली फैशन से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है, अगर आपका टेक का कैटेगरी है तो ओनली टेक कैटेगरी है, ये नहीं है कि आपने फैशन का टेक का कुकिंग का सब मिक्स करके डाल दिया। तो ऐसे में भी आपके चैनल पे लेकिन अदर प्रॉब्लम आएगा, इसमें रीयूज कंटेंट का कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन अदर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए, मिक्स कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेशक आपका एक दो कंटेंट है तो फिर तो चल जाता है, लेकिन आपने थीम को अगर बेकार कर रखा है तो वो चीज़ आपका नहीं चलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके चैनल पे कस्टम यूआरएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टम यूआरएल क्लेम होना चाहिए। अगर नहीं आता क्लेम करना तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जा करके देख करके आप कस्टम यूआरएल भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आपके चैनल पे आपका मैंने यहाँ पे जितने भी चीज़ बताया आपको तो सारा कुछ आपका रेडी है। अगर आपका अपना कंटेंट है तो फिर आप अपील करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब अपील वीडियो में आपको क्या क्या बोलना है देखो गाइस, आपको मैं बता दूँ, अपील वीडियो बनाने के लिए अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो तो हिंदी में बनाने की मतलब हिंदी में जब शूट कर लोगे तो आपको इंग्लिश में सबटाइटल डालना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में सबटाइटल डालना है, और इंग्लिश में सबटाइटल गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज वहाँ पे यूट्यूब ने खुद ही मेंशन कर रखा है, अगर आप हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में बनाते हो, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बनाना चाहते हो तो अपील वीडियो बना सकते हो, लेकिन आपको सबटाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि गाइज वो इंग्लिश में ही चेक करते हैं, इंग्लिश में ही उनको पता चलेगा, समझ आएगा कि आपने ये चीज़ बताया हमें और हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, अगर ये चीज़ सही हुआ तो आपका चैनल डायरेक्ट मोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश में बना रहे हो, मतलब कि इंग्लिश में बोल करके बना रहे हो और अच्छे तरीके से अपील कर रहे हो, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ना ही सब टाइटल ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बस आपको अपने चैनल के बारे में अच्छे से बताना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अगर मान के चलो मेरे चैनल पर आ जाता कि स्टार्ट अपील वाला वीडियो और मेरे को अपील करना पड़ता तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं गाइज अपने चैनल के बारे में बताता। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता कि मेरा नाम विकास है, मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आया और मेरे चैनल पे सारा कंटेंट मेरा खुद का अपना है और मैंने किसी का भी कुछ भी पार्ट यूज़ नहीं किया है, मैं एडिट के लिए अपना काइन मास्टर यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा कस्टम यूआरएल ये है, और इस तरीके से मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से बताता, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आप बना सको, ठीक है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है, और इस तरीके से जब बना लोगे, जब आपका बना करके रेडी हो जाएगा तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट करोगे, मान के चलो काइन मास्टर से एडिट करते हो या पावर डायरेक्टर से, तो वो भी चीज़ आपको थोड़ा सा बता देना कि मैं इस एप्लीकेशन से एडिट करता हूँ और मैं सारा कुछ अपना यूज़ करता हूँ, और अगर आप टेम्पलेट वगैरह भी यूज़ करते हो तो ये सब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन आप अपना ओरिजिनल कंटेंट होगा तो आप आराम से बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर हिंदी में बना रहे हो, जैसे मैंने हिंदी में बोला है, अगर आप हिंदी में बना रहे हो तो इंग्लिश में सब टाइटल कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे अब देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ माई नेम इज़ विकास, तो यहाँ पर नीचे सब टाइटल में लिखा आ जाता है ना माई नेम इज़ विकास, देख सकते हो यहाँ पर, तो इस तरीके से ये चीज़ सबटाइटल होता है, ठीक है। और गाइज आपको मैं बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन सबटाइटल लिखना चाहते हो जैसे वीडियो को अपलोड करने के बाद,
जैसे सबटाइटल यूट्यूब में भी खुद दे रखा है कि अगर हम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप जिसमें भी एडिट कर रहे हो जैसे काइन मास्टर में एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो टैक्स, मतलब ऐड करके, ठीक है। जैसे टैक्स हम ऐड करते हैं ना यहाँ पे, कुछ भी लिखते हैं तो उस प्रकार से ऐड कर सकते हो, जैसे अपने चैनल पे जो बताया वही आपने लिख दिया और यहाँ पे एडिट के वक्त लगा दिया। थोड़ा सा टाइम तो गाइज आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोनस टिप्स बता देता हूँ इसके, मतलब अपील वाला रीजन से, जो कि अपील वीडियो है ना। अगर गाइज आप अपील, अगर मान के चलो आपको ऐसा लगता है ना कि अपील में तो यार बहुत पंगा है, वीडियो बनाना पड़ेगा पहले हमें, फिर यहाँ पे अपील करना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, तो गाइज अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना, मतलब ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं है कि अपील वीडियो आपने नहीं किया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा या चैनल पे कोई दिक्कत आ जाएगा या कभी मोनेटाइज ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है और कहीं पे भी लिखा नहीं है, ठीक है। अपील गाइज इसलिए दिया जाता है कि अगर आप मान के चलो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाना चाहते हो अपने चैनल पे और आपको लगता है कि मेरे ही कंटेंट है किसी और का नहीं है, तो आप मतलब बेफिक्र होकर अपील कर सकते हो ताकि जल्दी, मतलब जल्दी आपका मोनेटाइज हो जाए। नहीं तो अगर अपील नहीं भी करते हो तो डेट भी निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रीअप्लाई भी कर सकते हो, रीअप्लाई का पता है आपको 28 दिन लगता है और अपील तो आपको 14 दिन के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गाइज डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, इन पेजों से डरोगे ना गाइज तो आप मतलब यूट्यूब पे भाई स्टार्टिंग में आप ऐसा मत करो, ठीक है यार। इस मतलब यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, मैंने यहाँ पे हर चीज़ देख लिया, जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कई बार होता है कि गाइज एक एरर का प्रॉब्लम आता है एडसेंस में और वो उसमें दिक्कत होता है तो कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके हम उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा दिक्कत, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, मैंने तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे बोलता रहता हूँ कि मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को सोल्यूशन नहीं पता लेकिन होता जरूर है सोल्यूशन, ठीक है। मुझे तो लेकिन अभी पता है यूट्यूब के बारे में तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दिल से शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज आपको आई होप पता चल गया होगा और आपको डेमो भी पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने बताया अपने चैनल के बारे में अच्छे से बताना है। और गाइज अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा हो और वीडियो में लगा हो कि मैंने ये चीज़ नहीं बताया, ये पॉइंट में मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ आप सबको अच्छे से समझ आए और आप सब अच्छे से अपने चैनल पे इन सब चीज़ का सॉल्यूशन ले सको। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर आप प्रमोशन प्रमोशन मत लिखा करो, क्योंकि गाइज ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे प्रमोट तो करता हूँ अपने चैनल पे लेकिन रैंडम कमेंट भी कर से, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे गाइज मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ जिससे कि आप सबको सपोर्ट भी मिले और आपका चैनल भी ग्रो हो और ये सब प्रॉब्लम से आप खुद ही मतलब सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।